होगी थी। ले मुझे सच ले तो सच में क्या मारनी। आज त्योहार था, सुबह सुबह मम्मी ने पीट दिया, सुबह सुबह मोटा हो गया मेरा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एंद्र ब्लॉग। तो गाइस, आज बैसाखी है वैसे तो, और पहाड़ों में जिसे बिखू का त्यौहार बोलते हैं, तो आप सबको बैसाखी और बिखू के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे हमेशा खुश रहे आप लोग। और आज से बैसाख का महीना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसीलिए बैसाखी मनाते हैं। बैसाखी वैसे पहाड़ों में खून हमसे मनाई जाती है, इसीलिए। तो अभी हमारी पूजा पाठ हो चुकी है, अब हम थोड़ा त्यौहार वगैरह मनाएंगे। इधर भी चल रही पूजा पाठ, भजन कीर्तन लगे और मॉर्निंग का व्यू कुछ ऐसा है। आज सुबह सुबह नहा धोके सबने पूजा पाठ कर लिया तो सही हो गया। और आज शिवालय में हमारे यहाँ मेला लगता है, सुबह से वहाँ लोगों की भीड़ लगी होगी। पैट अपैट का कुछ सिस्टम होता है, तो इसलिए लोग जाते हैं वहाँ जल चढ़ाने, दर्शन करने। और इस महीने में से बैसाख के महीने में जाते भी रहते हैं, तो हम लोग तो नहीं गया क्योंकि त्यौहार भी है। अब चलते हैं, नाश्ता पूड़ी पकवान बनाने की तैयारी करते हैं। बैसाखी मम्मी नाश्ते की प्रिपरेशन कर रही है, बट नाश्ते से पहले हमेशा की तरह चाय। आए हाय, आज त्योहार था, सुबह सुबह मम्मी ने पीट दिया, सुबह सुबह मोटा हो गया मेरा। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, प्याज काट रहा हूँ। इस बार की प्याज बहुत खतरनाक आ रखे। मम्मी वहां से शॉक्ड हो गई थी, मुझे सच में मार दिया। तो सच में क्या बात नहीं बाल। झूठ क्यों बोलना फिर? मम्मी दूर जम पड़ गया यार, ये थोड़ा भारी पड़ गया, मजाक भारी पड़ गया, मजाक के बदले होती। फिलहाल इस बार का प्याज ऐसा रखा ना भैया, प्योर नासिक का प्याज है, इतनी मिर्च लग रही है भैया, बहुत खतरनाक वाली। और इतना लाल प्याज है, इसीलिए अब मम्मी हमारे घर का देवता भड़क चुका है, तो फटाफट से काम कर लेते हैं, वरना फिर खाने को भी नहीं मिलेगा ना। गुड मॉर्निंग सागर, हैप्पी बैसाखी, हैप्पी बिखू। सेम टू यू। सागर त्योहार लाया है आज, धुएं में हम उसका वेलकम कर रहे हैं। बैठ जा नीचे, आंख में और लगेगा ऐसे धुआं, आराम से बैठ जा। ये जब भी हम ऐसे त्योहार बनाते ना, हमेशा लाइट चली आती है यार। सुबह सुबह से कांड होने में घर में आज। माता आई थी अभी, मेरे से बोली लकड़ी बाहर रख के, मैंने कहा अभी जाता हूँ जलने दे, बोला कह रही नहीं कोई बात, तुमसे बोलना फालतू फल लेके गई हो, खुद ही जमीन में गिरा दिया पूरा। ये धुएं से भर गया यार पूरा गोट, छी पे पूरा धुएं से भर गया यार। ये त्योहार खाने ऐसा क्या जैसा हालत खराब हो जाती बनाने में इसको। भागो यहाँ से भाई, भागो, आधा प्याज काटने में हालत खराब, आधा ऐसे लाइट पे नीचे पंखा लगा के इसको बाहर करें। धुआं साफ करने में लास्ट में यही काम आता है, जिस दिन धुआं अति हो जाता है, एग्जॉस्ट का काम करता है एग्जॉस्ट फैन का। तो अब दिखाता हूँ बाहर जाके कितनी दूर तक धुआं फेंक रहा है, ये देखो यहाँ तक सारा धुआं। सब एगो मम्मी बैर, इतनी मेहनत के बाद नाश्ता बनाया आज का, आंखें फोड़ने के बाद। थैंक यू ब्रो, 10 मिनट में धुआं साफ करने के लिए, इतनी धुआं साफ हो गया, देखो इतना कम धुआं रह गया। अब चलो, धन्यवाद आपका, आपको आपके सीट में बैठा देते हैं। चलो फिर याद करेंगे आपको, ओके, जब फिर से धुआं होगा। आप रेस्ट करो तब तक, ढकना जरूरी रहता है ना, बेचारे को नज़र लग जाती है वरना। नाश्ता करने बैठी हूँ, धुआं हो रहा था पापा इसलिए ऊपर ही खा रहे हैं रूम में, ऊपर चाक में बैठ के, तो मैं गोट में ही खा रहा हूँ। मम्मी अभी नहीं खा रही क्योंकि मम्मी जाएगी मंदिर में दिया जलाने के लिए, तो मैं पूजा करके आएगी तब खाएगी मम्मी, तो मैं खा लेता हूँ अभी। और आज बहुत ही अच्छा मेन्यू है, हमेशा की तरह मेरा फेवरेट, मौसी के यहाँ से जैसे कि खीर आ रखी है, त्यौहार है आज इसीलिए, तो मेरे लिए खीर आ चुकी है, वो ये बहुत बढ़िया हो गया। थैंक यू खीर के लिए, और प्लस पूड़ियाँ हैं, इधर है बड़े, मांस के बड़े और गोभी की सब्जी, दही भी है थोड़ी सी, मस्त।
दही और खीर दोनों मौसी के यहाँ से आ रखे, तो बढ़िया हो गया मेरा ब्रेकफास्ट। तो मस्त इन्जॉय करता हूँ मैं अपना ब्रेकफास्ट और आज का त्यौहार। तो वैसे हम बैठ के आज फुल इन्जॉय कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। सागर भी आया हुआ है, सागर हाई। मम्मी हमारी, मम्मी भी बैठ रही है, मम्मी ले आई हमारे चाय और चिप्स, मतलब चाय मम्मी और मेले, चिप्स सबके लिए। सागर चाय नहीं पीता इसलिए, धन्यवाद। सागर चाय पी ले। नहीं। A few moments later. सागर को बुलावा आ गया घर से। सागर कहाँ जा रहा है? उमर इसी में कट जाएगी। कौन है? अभी डायलॉग मारा था, डायलॉग बाजी बंद होगी इसकी। ओके, मम्मी को तो चैन आता नहीं घर में, मम्मी जा रही है और मैं घूमने। इतनी भरी गर्मी में मम्मी घूमने जा रही हूँ बोल रही है। कहाँ जा रही है इतनी गर्मी में? गर्म से तो हालत ख़राब हो रही है, घर से बाहर नहीं निकला जा रहा है। मैं पहाड़ जो है अब धीरे धीरे हरे होने लगे, अगर कोई आग नहीं डालेगा तब ऐसे ही रहेंगे, धीरे धीरे हरे होने लगे। देखो मस्त से, अब तो इतनी तेज़ तेज़ धूप निकल ली ना भाई, हालत ख़राब हो जाएगी कुछ टाइम बाद। और आने वाले कुछ टाइम में यार भाई लास्ट तक हमने काम भी करना है यार, गर्मी में शादियों में बहुत टप पड़ जाएगा इतनी गर्मी में काम। चलो कोई नहीं, एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। वैसे फर्स्ट सीज़न है गर्मियों के टाइम पे, समर सीज़न में। हेलो, क्या हाल चाल? हेलो कैबिन, नए भी आ रहा है शायद, आ रही हो हैं? इनको लगी गर्मी कहीं से नहा के आ रखे, शायद बाल पूरे भीगे हुए। सडनली ऐसे मौसम चेंज होता हमारे यहाँ, ये दिन में बहुत कड़क धूप थी, अभी मौसम ऐसा हो गया, तेज हवा चल रही, आंधी चल रही है। मम्मी को लेने गया था पर मम्मी जल्दी आ गई, ये खसम खसम हो गया। आज तो इनकी वाट लगती शायद गुलाब के फूलों की है, इतने प्यारे प्यारे फूल हो रहे। उस पार मौसम साफ हो रखा है बट इस पार बहुत बेकार हो गया। ये कुछ हम चले गए छाते की लैग हो गई, फसल होने लगी फिर से, मौसम को बेचैनी होगी आसमान को, यानी फसल होने वाली है फिर से, ऐसे ही कर रहा है। धीरे धीरे गेहूँ की फसल होगी ना, इसलिए ऐसे मौसम बिगाड़ रहा है। तो वैसे अभी रात हो चुकी है, 7:59 हो रहा है और अभी हमारे त्यौहार बनाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि आज है भिक्खू का त्यौहार। तो और जगह पता नहीं मनाते कि नहीं मनाते, बट हमारे यहाँ मनाते हैं, हमारे गांव की तरफ को भिक्खू का त्यौहार होता है। उस दिन मांस की रोटी वगैरह बनती है, नॉनवेज भी बनाते लोग, बट हमारे यहाँ अधिकतर ऐसे बनता है होता है कि हम मांस की रोटी वगैरह बनाते हैं। तो अभी मांस की रोटियाँ वगैरह बन जाती है, बहुत से लोग सुबह के टाइम भी बनाते हैं वैसे, अपने जिस हिसाब से उनको सूटेबल लगता है। और खीर बनती है, साई बनती है, सब कुछ वैसे बनता है। बाकी अम्मा बुब्बू को पता होगा कब से स्टार्ट हुआ, कैसे क्या हुआ, इसके बारे में गूगल पे भी मैं चेक कर रहा था, तो इतना कुछ नहीं है जितना मतलब मेरे को पता था, मैंने उतना आपको बता दिया। तो कुछ ऐसा फेस्टिवल ही है। तो मम्मी की प्रिपरेशन यहाँ पे कंटिन्यू हो रखी है, तो मम्मी यहाँ पे मांस पीस के रखा था मैंने, तो मम्मी अभी मांस में मसाले वगैरह मिक्स कर रही है, आग जली हुई है, जैसे कि त्यौहार होता है तो आग जलाते हम लोग। और उधर आटा वगैरह रखा हुआ है, बनाते हम लोग अभी मांस की रोटियाँ मस्त से। बेड़ुआ लगड़ बोलते हैं, पर लगड़ नहीं, रोटियाँ हैं भेड़ू की, मांस और भेड़ू। डिनर तैयार हो चुका है और अब हमारी तैयारी है अपने डाइनिंग रूम की ओर जाने की। तो सारा सामान जैसे कि हम हमेशा ले आते हैं यहाँ से, नीचे किचन से बना के हम अपने डाइनिंग रूम में, ऑल पर्पज रूम है ना वो, सारा सारे रूम है उसमें, डाइनिंग रूम और लिविंग रूम और गेस्ट रूम सब कुछ है वो, इसीलिए तो वही चलते हैं अभी। अभी हमारे फिलहाल के लिए डाइनिंग रूम है, तो डाइनिंग रूम की ओर चलते हैं हम।